दोस्तों अभी आप जो अर्निंग देख रहे हो ना, ये सारा का सारा अर्निंग दोस्तों मैंने एफिलिएट से जनरेट किया है। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे एफिलिएट से लोग लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, और एफिलिएट से अर्निंग करना इतना आसान है यार। यहाँ पर आपको कोई मेहनत नहीं करना है, यहाँ पर आपको कोई सुबह से शाम तक काम नहीं करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपका कोई फ्रेंड अमेजन से मोबाइल परचेज करने वाला है, फिर लैपटॉप खरीदने वाला है, अगर वो वहाँ पर क्लिक करके खरीदता है, उसको उतना ही रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दोस्तों इसको रिकमेंड करोगे, मतलब अगर आप अमेजन वाले लिंक को एफिलिएट में कन्वर्ट करके उसको सेंड कर देते हो, अगर वो आपके लिंक पर क्लिक करके अगर वो परचेज करता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ परसेंटेज मिलते हैं। यहाँ पर आपको 5%, 10%, कुछ ना कुछ आपको परसेंटेज यहाँ पे 100% मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों इसी को एफिलिएट कहते हैं, और इसी के द्वारा दोस्तों आजकल लोग लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। अगर आप यूट्यूबर हो तो यार आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक वहाँ पर दे सकते हो, एफिलिएट लिंक। अगर वहाँ पर क्लिक करके कोई भी परचेज करता है, आपको यहाँ पर फायदा होगा। अगर आपके पास एक वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर भी एफिलिएट लिंक दे सकते हो, ठीक है। वहाँ भी अगर कोई क्लिक करके कोई भी खरीदता है, आपको फायदा होगा। जरूरी नहीं है दोस्तों कि उस लिंक पे क्लिक करके वही प्रोडक्ट खरीदे। अगर उस लिंक पे क्लिक करके वो जाकर अमेजन पे पहुंच जाता है, वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, तब भी दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंटेज, कुछ ना कुछ कमीशन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। बट आप में से यार बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अमेजन एफिलिएट लिंक बनाना ही नहीं आता, तो यार इस वीडियो का पूरा कंप्लीट देख लेना। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दूंगा कि आप अपने मोबाइल फोन से ही कैसे अमेजन एफिलिएट लिंक बना सकते हो। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पहले विजिट किए या चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आइए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात दोस्तों मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि यार इस वीडियो का पूरा कंप्लीट जरूर से देखिएगा, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे यार जिसने अमेजन एफिलिएट लिंक बना भी लिए होंगे, लेकिन उनका पहला पेमेंट अभी तक नहीं आया होगा। क्योंकि यार आप लोग बहुत से ऐसी गलती करते हैं, ऐसी काफ़ी ढेर सारी गलती हैं जिनकी वजह से दोस्तों आपका अमेजन अकाउंट जो है ना, वो सस्पेंड भी हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर एक चीज़ दोस्तों इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा टाइम निकालो, इस वीडियो को एंड तक देख लो। अगर आप अमेजन एफिलिएट लिंक का सही से यूज करना सीखे ना भाई, घर बैठे दोस्तों आप इससे लाखों रुपये अर्न कर सकते हो। आपको कोई मेहनत नहीं करना है, बस लिंक को उठाना है और लिंक को दोस्तों के पास सेंड कर देना है। कहीं भी आप इसका यूज करिए, मतलब किसी को भी शेयर करिए, उस लिंक से कोई भी खरीदे आपका फायदा होगा। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले सीखते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से ही अमेजन एफिलिएट लिंक दोस्तों आप क्रिएट कर सकते हो, कैसे अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आप बस मोबाइल फोन से दोस्तों अगर आप बनाना चाहते हो, तो आप सिंपल से क्या करना, आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना। वहां पर जाकर दोस्तों लिखना amazon.in, ठीक है, ऐसे लिखना, ठीक है। लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो है 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट में कर लेना, ताकि पूरा डेस्कटॉप में खुल जाए जैसे लैपटॉप में खुलता है, ठीक। और जो प्रोसेस दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से इसी प्रोसेस को आप अपने मोबाइल फोन से भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको मोबाइल फोन से दिखाऊंगा तो बहुत छोटा छोटा वहाँ पे फोन से दिखेगा, आप समझ नहीं पाओगे। तो मैं आपको पूरा लैपटॉप से दिखा देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो सेम प्रोसेस मोबाइल पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पर गूगल पर चले जाना और यहाँ पर लिखना है amazon.in, आपको ये लिख देना, ठीक है। जैसे ही लिख कर दोस्तों यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके सामने अमेजन का वेबसाइट जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हर एक प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ इस तरीके दोस्तों आपके सामने वेबसाइट ओपन होकर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम अपना अकाउंट बनाएंगे, वो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा है साइन इन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू कस्टमर हो तो यहाँ लिखा होगा स्टार्ट हेयर, आप यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। अगर आपका पहले से भी अकाउंट बनाया है तो क्या करना है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मान लो आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है, ईमेल आईडी आपको ऑप्शनल है, चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। और जो पासवर्ड है दोस्तों, 6 करेक्टर का पासवर्ड है, आप जो भी चाहो यहाँ पे पासवर्ड अपना बना लेना। बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू लिखा है, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे बता रहा है कि हमारा पहले से इस नंबर से अकाउंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बन चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, अगर अकाउंट बन भी चुका है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट अकाउंट विद दिस मोबाइल नंबर, ठीक है। हमको दोबारा अकाउंट बनाना इसी मोबाइल नंबर से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देना। और फिर यहाँ पर लिखा है क्रिएट अ न्यू अकाउंट, हमको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। जैसे फिल कर रहे हो दोस्तों, आपका यहाँ पे अकाउंट बन गया, देख सकते हो। मेरा जो दोस्त है उसका नाम है नाजिम, मैं नाजिम के नाम से यहाँ पे बना रहा हूँ अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट बन गया, हमने अमेजन पे रजिस्टर कर लिया। लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पर एफिलिएट अकाउंट बनाना है। एफिलिएट अकाउंट कैसे बनेगा ध्यान से देखना। आप जो भी आपका ये अमेजन वेबसाइट ओपन हुआ है ना, एकदम स्क्रॉल डाउन करना है, एकदम स्क्रॉल डाउन। जैसे नीचे जाओगे दोस्तों तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा बिकम एन एफिलिएट। एफिलिएट आपको बनना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है बिकम एन एफिलिएट। जैसे क्लिक करोगे अब आपके सामने ये वेबसाइट ओपन करा जाएगा जिसका नाम है अमेजन एसोसिएट्स, ठीक है ना। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर देखो आपको करना है क्या, 3 प्रोसेस होते हैं, साइनअप करना है, ठीक है, रिकमेंड करना है किसी को भी, दोस्त को आपको रिकमेंड करोगे कि भाई ये लो, यहाँ पे आपको जो लिंक है आपको इन्होंने रिकमेंड कर दिया, और फिर अर्न कर सकते हो यहाँ पे तीसरा, ठीक है ना। अर्न करोगे क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको लिखा होगा साइनअप, बस साइनअप आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप साइनअप पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा अपना अमेजन अकाउंट बनाने का, मतलब एफिलिएट अकाउंट बनाने का। यहाँ पे करना क्या दोस्तों, आपको यहाँ पे पेई नेम में आपको अपना नाम फिल करना है, वो वाला नाम फिल करना है जिस जो आपने अपने बैंक अकाउंट में नाम फिल कर रखा है, ठीक है, ये वाला फिल कर देना। जो भी आपका एड्रेस है अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना, सिटी फिल कर देना, स्टेट फिल कर देना, पोस्टल कोड जो भी है आपका पिन कोड फिल कर देना, कंट्री फिल कर देना, जो भी मोबाइल नंबर आपके पास एक्टिव है वो फिल कर सकते हो, ठीक है। बट बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिसने
इस नंबर का यूज करके पहले से अकाउंट बना रखा था अमेजन पे, तो उनको पहले से जो भी उसमें एड्रेस फिल किए होंगे वो एड्रेस यहाँ पे शो करेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों आप पहले वाले पे क्लिक कर देना और यहाँ पे यूएस वाले पे नो कर देना, ठीक है, इतना कर देना। देखो यहाँ पे मेरा पहले से एड्रेस यहाँ पे फिल था, तो हम अपने इस एड्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपका अगर एड्रेस पहले से नहीं आया होगा तो आप यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कर दोगे अब आपके सामने ये सेकंड पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आ गया वेबसाइट और मोबाइल ऐप। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप अपना वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है या फिर आपके पास इंस्टाग्राम है, जो भी है वेबसाइट है आपके पास, यहाँ पर आप इसको डाल सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल ऐप है तो आप यहाँ पर मोबाइल ऐप भी अपना मतलब यहाँ पर फिल कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यूट्यूब चैनल है, चलिए इसे यूट्यूब चैनल को हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से यूट्यूब चैनल को लेकर आए कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर दिए, ठीक है। इसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जो भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ऐड कर दिया, दोनों यहाँ पर ऐड कर दिया। अब दोस्तों इसके पास मोबाइल ऐप तो है नहीं, ठीक है, तो इसको ऑप्शन को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, अब आपके सामने तीसरा पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा जिसका नाम है यहाँ पर प्रोफाइल, ठीक है। अब प्रोफाइल को जरा ध्यान से समझना आपको करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज योर प्रीफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपने यूजर नेम कुछ भी बना सकते हो या अपना नाम वगैरह यहाँ पर लिख सकते हो बिना स्पेस लगाए, ठीक है। इस तरीके से कुछ आप लिख दीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया डेंटिस्ट नाजिम। अब बता रहे कि आपका वेबसाइट जो है वो किस से रिलेटेड है, थोड़ा उसके बारे में लिख दूँ। तो यहाँ पर लिख दिया कि ये एक यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर डेंटल क्लिनिक और डेली ब्लॉग अपलोड करता है, ठीक है। बोल रहा है कि व्हाट आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप किस तरह का है, कौन सा टाइप का है। मेरा यहाँ पे कोई टाइप दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको कोई टाइप दिखे तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, आप इस एफिलिएट के बारे में कैसे पता चला आपको। तो यार मुझे तो मेरे दोस्त ने बताया था, तो वर्ड ऑफ माउथ मैंने लिख दिया कि यार मुझे किसी के मुंह से पता चला। फिर दोस्तों आपको इतना फिल करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी एक कैप्चा रहेगा इस कैप्चा को फिल कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके फिर यहाँ लिखा हुआ है यू एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, आपको यहाँ पर टिक लगाना पड़ेगा। टिक लगाकर फिनिश पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे फिनिश पे दोस्तों आप क्लिक करोगे यहाँ पर कांग्रेस नाजिम करा गया और आपका एसोसिएट आईडी यहाँ पे दिख रहा है, आपका अमेजन अकाउंट यहाँ पर बन चुका है, ठीक है ना, एफिलिएट अकाउंट आपका यहाँ पे बन चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो लिखा है इंटर योर पेमेंट और टैक्स इन्फॉर्मेशन, इसको भी चाहे तो तुरंत फिल कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता देगा आपको यहाँ पर क्या क्या गलतियाँ नहीं करना, जरा ध्यान समझिएगा, ठीक है। अगर आप दोस्तों ये जो अकाउंट बनाया है ना, एफिलिएट अकाउंट बनाया है, इस अकाउंट को दोस्तों जो भी आपने लिंक कॉपी करोगे ना, लिंक कॉपी करने के बाद दोस्तों कभी भी लिंक शॉर्टनर का यूज़ मत करना। लोग लिंक शॉर्टनर का यूज़ करते हैं, बिटली में जाते हैं और लिंक को और छोटा कर देते हैं और छोटा करके दोस्तों के पास सेंड करेंगे या फिर कहीं भी अपने वेबसाइट पे या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। वहाँ से दोस्तों अगर कोई भी परचेज करता है दोस्तों तो आपको यहाँ पे कमीशन नहीं मिलेगा। तो कभी भी लिंक शॉर्टनर का यूज़ नहीं करना। जो अमेजन का लिंक दोस्तों आप कॉपी करोगे वही लिंक रहने देना। अभी भी दिखाऊंगा कैसे कॉपी होगा, सब दिखाऊंगा, ठीक है। प्लस दूसरा दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि 180 दिन के अंदर, मतलब अगर आज मैंने अकाउंट बनाया तो 6 महीने के अंदर दोस्तों कम से कम मुझे 3 सेल्स करने हैं, 3 कोई प्रोडक्ट बेचना है, जो कि बहुत ईजी है। किसी भी 3 फ्रेंड को आप कह दीजिएगा वो परचेज कर लेगा 6 महीने के अंदर, तो आप अकाउंट एक्टिव रहेगा वरना सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। तो इन सब कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने घर में दोस्तों अगर आपको अगर लिंक शेयर कर रहे हैं अपने भाई को अपने फैमिली के अंदर, तो दोस्तों ध्यान रखना है कि सेम नेटवर्क प्रोवाइडर से ना हो, मतलब एक ही वाईफाई सब लोग कनेक्ट किए पड़े हैं और उसी वाईफाई से दोस्तों आप सेंड भी कर रहे हो, उसी वाईफाई से यूज करके कोई बंदा खरीद भी रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका मतलब इनवैलिड माना जाता है, वहाँ भी आपको जो भी यहाँ पर कमीशन होता है वो नहीं मिलता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो भी भर लेते हैं और अपने अकाउंट डिटेल्स भी भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको सिखाएंगे कि कैसे आप लिंक कॉपी करोगे, ठीक है, सब कुछ। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा पासवर्ड लिखने का। पासवर्ड फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे साइन इन लिखा है, साइन इन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, यहाँ पे फिल कर दीजिएगा बस। अब आपका क्या पेमेंट फिल करने का, देख सकते हो यहाँ पे 1000 मिनिमम अर्निंग होना चाहिए यहाँ पे, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे सेलेक्ट करोगे अकाउंट डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ गया, बहुत आसान है। बैंक अकाउंट होल्डर नेम लिखना है, बैंक अकाउंट का नंबर लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, IFSC कोड लिखना है और कंफर्म कर देना अपना अकाउंट नंबर। चलिए हम ये सब कर लेते हैं, पूरा डिटेल फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद दोस्तों ये जो लिखा है सबमिट एंड कंटिन्यू विद टैक्स इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों अब आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ कंप्लीट है लेकिन इंडिया करेंट टैक्स स्टेटस जो है इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना इंडिया टैक्स वाले पे। यहाँ बहुत सिंपल है, इंडिविजुअल दोस्तों पहला सेलेक्ट किया ना, दूसरा लिखा है प्रोवाइड योर पैन, पैन कार्ड अपने यहाँ पे फिल कर देना। चलिए हम अपना यहाँ पर पैन कार्ड फिल कर लेते हैं, मतलब अपने फ्रेंड का। फिल करने के बाद से दोस्तों आपका जो भी फुल नेम है फुल नेम लिखना और सबमिट पे क्लिक कर देना। इतना करने के बाद दोस्तों आपका जो भी टैक्स फॉर्म था ना वो भी आपने फिल कर लिया, पेमेंट का स्टेटस भी आपने पूरा फिल कर दिया, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अब ये अपलोड लेटर पे क्लिक करके एग्जिट इंटरव्यू कर देना बस। करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक यहाँ पर कैप्चा आएगा, इसको फिल कर दीजिएगा, कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक कर दीजिए, आपका अकाउंट तैयार है पूरी तरीके से, दोस्तों आपका अकाउंट बन गया यहाँ पर। अब अपने अकाउंट का आप यहाँ पर कैसे यूज करोगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर लिखा होगा दोस्तों होम, ठीक है ना, होम पे आप क्लिक कर दोगे आप यहाँ पर आ जाओगे अमेजन एसोसिएट पे। यहाँ से आप पूरा अपना अर्निंग देख सकते हो कि यार आपके एक महीने में कितनी अर्निंग हुई, कौन सी प्रोडक्ट बिका, उसके वजह से कितना रुपया आपको मिला, कितने रुपये का प्रोडक्ट उसने बंदे ने खरीदा था।
A to Z से दोस्तों आप सब कुछ यहाँ से चेक कर सकते हो। ये आपका पूरा एक तरीके से एनालिटिक्स यहाँ पे शो करता है कितनी अर्निंग आपकी हो रही है। ये तो दोस्तों आपका अमेज़न एसोसिएट है दोस्तों, जो आपका यहाँ पर आपको पूरा शो करेगा, आपका डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम Amazon.in पर, मतलब Amazon वाले वेबसाइट पर चलते हैं, जहाँ से आपको लिंक बनाना है, जहाँ से कोई भी आप बंदा क्लिक करके परचेज करेगा, ठीक है। वो कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं Amazon.in और इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा वेबसाइट Amazon का, ठीक। अब यहाँ से ध्यान देखना, कुछ आपको अलग सा यहाँ पे शो करेगा, क्या अलग दिखेगा आप ध्यान से देखिएगा। ये तो हमारा अकाउंट दोस्तों, हम उसी अकाउंट से लॉगिन कर गए जिससे हमने अभी एफिलिएट अकाउंट अपना बनाया हुआ था, ठीक है। यहाँ देखो अमेज़न एसोसिएट लिखा हुआ दिखेगा और बगल में लिखेगा गेट लिंक। ये अगर शो कर रहा है इसका मतलब कि आपका अमेज़न एफिलिएट अकाउंट बना हुआ है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाते हो, ठीक है। ये तो कन्फर्म हो गया कि आपका ये जो अमेज़न अकाउंट है जिससे आपने लॉगिन कर रखा है, साइन इन कर रखा है, इससे अमेज़न एफिलिएट अकाउंट आपने बना रखा है। यहाँ पे गेट लिंक का ऑप्शन आ रहा है। अब इसका यूज़ कैसे करना है देखो ध्यान से। अब इसका यूज़ कैसे करना है दोस्तों ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि मुझे एक प्रोडक्ट खरीदना है, iPhone 14 Pro Max खरीदना है, ठीक है। तो आप जाकर सर्च करिए iPhone 14 Pro Max, मान लीजिए आपके फ्रेंड को खरीदना है, ठीक है। आपने सर्च कर लिया, आपके सामने ये आ गया, कौन सी फ़ोन लेना है, ये वाला लेना है, यहाँ पे क्लिक कर दो। जब क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन कराएगा, ठीक है। इस वाले पेज में दोस्तों सबसे ऊपर जाना, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा गेट लिंक का, देख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पे दो तरीके से आप लिंक कॉपी कर सकते हो। अगर आपको इमेज में चाहिए तो इमेज पे क्लिक करो, यहाँ पे आपके सामने इमेज भी बना रहेगा उस फोन का और नीचे लिंक भी रहेगा। आप इसको भी चाहो तो दूसरे के पास शेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो सिर्फ टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट पे क्लिक करना और यहाँ पर आपके सामने एक लिंक बन करा जाएगा। इसी को कहते हैं अमेज़न एफिलिएट लिंक। लॉन्ग में भी दिखेगा, फुल लिंक भी है, शॉर्ट लिंक भी है। तो शॉर्ट लिंक आपको यहीं से बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करना और कॉपी कर लेना, कॉपी कर लेना। अब इस लिंक का दोस्तों आप यूज़ कर सकते हो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब पर अपने वेबसाइट में इसको डाल सकते हो, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हो। किसी को भी खरीदना दोस्तों जो भी सामान, आप आना यहाँ से लिंक अपना बना लेना, बनाकर उसको सेंड कर देना, समझ रहे हो। अगर अब वो बंदा इस पर क्लिक करेगा ना, उसको भी सेम यही प्राइस दिखाएगा, सेम यही अमाउंट उसको भी यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और क्लिक करके अगर वहाँ से परचेज कर लिया ना फ्रेंड, तो यार आपको इतना ज़्यादा पैसा यहाँ से मिलने वाला, मतलब कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा, 5%, 7%, 10%, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। अब हर प्रोडक्ट का अलग अलग परसेंटेज होता है, किसी पे 2%, किसी पे 5%, किसी पे 10%। या आप चेक भी कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करोगे। आप क्या करना दोस्तों, अभी इस वेबसाइट पर आना अमेज़न एसोसिएट वाले पे। यहाँ आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा हेल्प का, हेल्प पे क्लिक कर लेना। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एडवर्टाइजिंग फी शेड्यूल, क्लिक करो। यहाँ क्लिक करके दोस्तों आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हो कि किस अप्लाइंस पे कितना परसेंट आपको मिलेगा। देख सकते हो सारा यहाँ पे लिखा हुआ, सब फिक्स्ड है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख के जिस पे आपको ज़्यादा परसेंटेज मिलने वाला है उस चीज़ का प्रोडक्ट है दोस्तों, आप जहाँ जाए दोस्तों वहाँ पर इस लिंक को शेयर करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। मैं तो कहूँगा दोस्तों हर एक प्रोडक्ट का आप लिंक शेयर करना, कुछ ना कुछ रुपया तो मिलेगा ही। यहाँ पे वो करना थोड़ी नहीं, आपका फ्रेंड है, अगर आप लिंक शेयर नहीं भी करोगे तो खरीद लेगा वहाँ पे क्लिक करके, उसको उतना रुपये का मिलेगा। अगर आप सेंड कर दोगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों आप अमेज़न एफिलिएट लिंक को बना सकते हो और उसको लिंक कन्वर्ट करके आप उसको सेंड कर सकते हो और आप घर बैठे अच्छा खासा अर्निंग यहाँ से कर सकते हो। और आज के टाइम में लोग मैक्सिमम लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूबर हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में से यूज करिए, ब्लॉगर हो तो वेबसाइट पर यूज करिए। कुछ नहीं करते हो, अगर आप ऑनलाइन काम ही नहीं करते हो तो फ्रेंड को रिफर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, जहाँ मन चाहे शेयर कर सकते हो, ठीक। अब दोस्तों अगर आप अमेज़न एफिलिएट लिंक बनाना सीख गए हो तो दोस्तों मैंने कुछ तरीके भी बता रखे हैं जिससे आप और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो इस लिंक को शेयर करके, ठीक है। अगर आपको नहीं पता दोस्तों तो यहाँ पर वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो पे क्लिक करो और जाके वो तरीका सीखो कि यार इस लिंक को हम कहाँ पर शेयर करेंगे तो हमारी अर्निंग और ज़्यादा होगी, यहाँ बता रखा हूँ, ठीक है। तो आपने ये वीडियो देख लिया, अब यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो देख लो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक करके जाना, ठीक है, लाइक कर देना, चैनल को नया सब्सक्राइब कर देना। मिलता है दोस्तों आपसे नए वीडियो में एक और अच्छा सा नया कंटेंट लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।